अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस। आज हम बात करेंगे कि इंडिया के वो कौन से ओवरऑल कैप्टन हैं जिन्होंने इंडिया की टीम की नुमाइंदगी की। तो आइए हम देखते हैं तो वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं। तो पहले नंबर पर है CK नायडू और दूसरे नंबर पर है महराज कुमार ऑफ वाइजन नगर राम, तीसरे नंबर पर है इफ्तखार अली खान, चौथे नंबर पर है लाला अमरनाथ, पांचवे नंबर पर है विजय हजारे और छठे नंबर पर है विनो मैनकंड, सातवें नंबर पर है गुलाम अहमद, आठवें नंबर पर है पोली उमरीगर, नौवें नंबर पर है हिमू अधिकारी और दसवें नंबर पर है दादा गैकवाड, ग्यारहवें नंबर पर है पंकज रॉय और बारहवें नंबर पर है गुलाब राय रामचंद और तेरहवें नंबर पर है नारी कॉन्ट्रैक्टर और चौदह नंबर पर है मंसूर अली खान और पंद्रह नंबर पर है चांदू ब्रॉड और सोलह नंबर पर है अजित वदकार और सत्रहवें नंबर पर है सेरिनी वसन गरवाव, पता नहीं इतना मुश्किल नाम है पढ़ा भी नहीं जा रहा, और अठारहवें नंबर पर हैं सुनील गवास्कर और उन्नीसवें नंबर पर हैं विशांत सिंह बड़ी और बीसवें नंबर पर हैं गणपा वशनाथ, तीसरे नंबर पर हैं कुलदेव कपिल देव और बाईसवें नंबर पर हैं दिलीप और तेईसवें नंबर पर है रवि शास्त्री और चौबीसवें नंबर पर हैं कृष्णा नमचारी और पच्चीसवें नंबर पर है मोहम्मद अजरुद्दीन और छब्बीसवें नंबर पर है सचिन तेंदुलकर और सत्ताईसवें नंबर पर है सौरव गांगुली और अट्ठाईसवें नंबर पर है राहुल द्रविड और उनतीसवें नंबर पर है वरिंदर सहवाग और तीसरे नंबर पर है अनिल कुंबले और 31वें नंबर पर है महेंद्र सिंह धोनी जो इंडिया के कामयाब कप्तानों में से एक कप्तान हैं, क्योंकि इनकी कप्तानी आज भी लोग पसंद करते हैं, मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत से टाइटल्स इंडिया के लिए जितवाए भी हैं, अपने लीग्स को भी जितवाए हैं। और उसके बाद है 32 नंबर पर है विराट कोहली भी इंडिया के टॉप बैट्समैनों में इनका नाम आता है, लेकिन ये कप्तानी इनकी जो है वो इतनी नहीं मानी गई, इनको फ्लॉप करार दिया गया है। तो विराट कोहली कप्तान अच्छे साबित नहीं हुए, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि वो कप्तान भी अच्छे हैं और उसके अलावा बैट्समैन भी अच्छे हैं, लेकिन इंडिया की आवाम ने इनको रिजेक्ट किया है। तो अब देखते हैं कि क्या उन्होंने सही फैसला किया या गलत। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या विराट कोहली अच्छे कप्तान थे या नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर और लाजमी बताना है। और उसके बाद 33वें नंबर पर हैं अजिंक्य रहाणे, ये भी अच्छे बैट्समैन हैं लेकिन इनकी कप्तानी भी इतनी अच्छी नहीं रही। उसके बाद 34वें नंबर पर है के एल राहुल, ये अच्छे कप्तान तो साबित नहीं हुए, लेकिन इनकी बैटिंग पहले से काफ़ी बेहतर हुई है, क्योंकि बीच में ये बहुत ही फ्लॉप हो चुके थे, इनकी बैटिंग बहुत ख़राब हो चुकी थी और जिसकी वजह से ये टीम से बाहर भी इनको होना पड़ा और अभी ये कुछ बेहतर खेलें 2024 के वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेंगे। और उसके बाद हैं
35 नंबर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जिसने मुंबई इंडियन को 8 टाइटल्स जितवा दिए, बहुत अच्छे कप्तान हैं, बहुत अच्छे हिटर भी माने जाते हैं, बॉलर्स इनसे डरते भी हैं। तो इनका जो है मतलब 2024 बहुत ही अच्छा गुजरा, बीच में ये 2023-22 में बहुत फ्लॉप हो गए थे क्योंकि इनको बहुत परेशानी हो रही थी बैटिंग में। तो इसके अलावा ये बहुत ही बैटिंग इनकी प्रॉपर नहीं होती। और इसके अलावा 36 नंबर है जसप्रीत बुमराह। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों के साथ, और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बेल आइकन दबाना है और सब्सक्राइब का बटन भी लाजमी प्रेस कर दें।